ये है आज की बड़ी अपडेट जहां पे न्यूज निकल के आ रही है कि तालिबान की अमेरिका को चेतावनी, 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से खाली करो सेना वरना भुगतना होगा गंभीर परिणाम। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में सैनिकों की वापसी के मिशन यानी जो 31 अगस्त तक पूरा होना था उसके बाद भी सैनिकों की तैनाती को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोस्तों समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने चल रहे सेना वापसी मिशन पर अपडेट दी है। बाइडेन से जब 31 अगस्त की समय सीमा नज़दीक आने पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे और सेना के बीच विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है, हमारी उम्मीद है कि हमें विस्तार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा है कि लेकिन चर्चा होने जा रही है, मुझे संदेह है कि हम इस प्रक्रिया में फिलहाल अभी दूर हैं। दोस्तों जुलाई में बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इस महीने के अंत तक अफगानिस्तान में मिशन को समाप्त करने का आदेश दिया था। तालिबान के 15 अगस्त को राजधानी काबुल में प्रवेश करने के बाद से अमेरिका अमेरिकियों को और उसके अफगान सहयोगियों को देश से निकालने के लिए हाथ पांव मार रहा है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने पिछले 24 घंटे में लगभग 3,900 कर्मियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है और अमेरिका ने 14 अगस्त से लगभग 28,000 लोगों को निकाला है। दोस्तों ये बात तो साफ है कि जब तक अमेरिका पूरे अमेरिकी लोगों को अफगानिस्तान से निकाल नहीं लेता है तब तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में ही रहने वाली है। ऐसे में तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने एक बयान जारी कर कहा है कि यदि अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देर करता है तो उसको इसके लिए गंभीर परिणाम से भुगतना पड़ेगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक यहां से वापस चली जाए नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा धमकी है अमेरिका के लिए। अमेरिका के साथ साथ उन्होंने नाटो की सेना को भी वापस जाने के लिए कहा है, लेकिन फ्रांस ने थोड़ा अजीब बात कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि जब तक हमारे लोग अफगानिस्तान से चले नहीं जाते हैं तब तक हम अफगानिस्तान में आते जाते रहेंगे और हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तालिबान की इस धमकी से किसी भी देश के ऊपर कोई भी असर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।